पंछी गाने लगे, खिड़कियां भी खुल गई, पढ़ने पढ़ाने की अखबार पुरानी हो गई। फिर भी कैसा कोहरा है, घनघोर अंधेरा है, कहीं कुछ तो छूट गया, सिलसिला क्यों टूट गया, कुछ तो आगे बढ़ गए, कुछ क्यों पीछे रह गए। है घर कहीं जवाब तो चलकर उसे हम ढूंढ लें, चलकर उसे हम ढूंढ लें, चलकर उसे हम ढूंढ लें। पिछली बार की परिक्रमा में मैंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में चल रहे साक्षरता कार्यक्रम और उसकी उपलब्धियों का जायजा लिया था। मैंने देखा कि यहाँ रात्रि पाठशालाओं में पढ़कर कुछ लोग कितना आगे निकल गए और आज रोजगार से जुड़ चुके हैं। महिलाओं में भी चेतना का विकास हुआ है। सतत शिक्षा केंद्रों को सूचना केंद्र बनाने के उद्देश्य से प्रेरकों का सघन प्रशिक्षण चल रहा है। छूट गए लोगों को महिला स्व सहायता समूहों के जरिए आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इन कोशिशों से पिछले वर्षों में राजस्थान की साक्षरता दर तो बढ़ी है, लेकिन घूंघट और पर्दा अभी भी महिलाओं के आगे बढ़ने में अवरोध बना हुआ है। स्वर्ण मंदिर में गूंजती गुरुवाणी मन को कितनी शांति प्रदान कर रही है। मैं तो जैसे खो सी गई थी। पंजाब में गुरुओं और उनकी शिक्षा की पुरानी परंपरा रही है। यहाँ के जीवन में भी गुरुओं की शिक्षा का गहरा असर दिखता है। इसी शिक्षा का प्रभाव रहा है कि पंजाब में हमेशा से ही महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष माना गया। लगता है यही कारण है कि यहां की महिलाएं आगे बढ़ी हुई लगती हैं, और शायद यहां के गांवों की खुशहाली का भी यही कारण है। सचमुच देश के दूसरे राज्यों की तुलना में यहां के गांव कितने विकसित लगते हैं। क्या पढ़ने पढ़ाने का काम भी पंजाब में उतना ही आगे बढ़ा है? मुझे पंजाब के बारे में इसकी राजधानी चंडीगढ़ से विशेष जानकारी मिल सकती है। पंजाब में जो प्रोग्राम चला साक्षरता का, ये पहले तो टोटल लिटरेसी कैंपेन के रूप में चला और फिर पोस्ट लिटरेसी कैंपेन में चला और फिर उसके बाद कंटिन्यूइंग एजुकेशन के रूप में चला। जब टोटल लिटरेसी कैंपेन में चला तब तो पंजाब सारे को कवर किया गया। 17 के 17 ज़िले जो थे उनमें टोटल लिटरेसी कैंपेन ये लॉन्च किया गया 1989 में। देश के पैमाने पर पंजाब की साक्षरता 16वें स्थान पर है। १९९१ में साक्षरता दर 58% थी, 2001 में 69% से थोड़ी अधिक हुई है। पुरुष साक्षरता दर तो ठीक ही लगती है, 100 में 75 के करीब।
पर महिला साक्षरता दर 63%। अब जो है उनका फोकस है वो है कि हम जो औरतों के लिए प्रोग्राम्स हैं जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन में, जैसे कि सिलाई कढ़ाई, बुनाई और ये दरियां बनाना और ये अपनी कुर्सी बनाना, मोमबत्ती बनाना, फनेल बनाना, इन प्रोग्रामों को ज़्यादा लोगों ने चाहा है कि ये प्रोग्राम ज़्यादा हों। तो क्योंकि ज़्यादातर हमारे फीमेल सेंटर्स ही यहाँ चलते हैं तो इनको लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ इस तरह से साक्षरता और शिक्षा के अर्थ को सार्थक बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे भी रोपड़ जिले में संपूर्ण साक्षरता और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं और यहाँ की 100 में से 72 महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं। शायद पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हुनर सीखने की पहल कदमी का नतीजा है। गांवों में सिलाई का काम तो वैसे ही होता रहता है, लेकिन अंकों और अक्षरों का साथ मिल जाए तो इसमें बेहतर दक्षता हासिल हो सकती है। मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए। दो साल पहले यहाँ साक्षरता केंद्र शुरू हुआ था, उसमें गांव की बहुत सारी महिलाओं को पढ़ाया गया। उसके बाद करीब 1.5 साल पहले गांव के लोगों ने ही मिलकर यहां सिलाई केंद्र भी शुरू किया। पढ़ाई और सिलाई सिखाने का काम साथ साथ चला। एक सेशन तो पूरा हो चुका है, दूसरा 16 जुलाई से चल रहा है। लगता है अब यहां की महिलाएं काफी दक्षता हासिल कर चुकी हैं, पढ़ाई लिखाई में भी और कौशल में भी। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलाई या ऐसा ही कोई हुनर सीख लेने से फायदे तो हैं ही। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इससे अपने अंदर का विश्वास बढ़ता है। सोचते हैं हमें भी कुछ आता है, हम भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात, अंकों और अक्षरों की जानकारी को एक फलदायक आधार मिल जाता है। मेरे गांव में भी ऐसा ही कुछ हुआ होता तो शायद कोई पीछे नहीं छूटता। जब असी नहीं पढ़े सी सानू कोई किसे गलत भी पता नहीं। जब नहीं पढ़े थे तब तो कुछ भी पता नहीं चलता था। पढ़न नाल सानू अब तो थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, क्योंकि पढ़ने से जीवन में काफी बदलाव आ गया है। अपना जीवन सुधार सकते सिलाई नाल असी और सिलाई भी सीख ली तो अपना काम कर सकती हूँ, कामकार कर सकते, किसी पर इसके लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि अपने हाथों का काम से आप कर सकते हैं। पढ़ाई करके एक ऐसे पढ़ाई से सिलाई के काम में तो सुविधा होती ही है। बच्चों की पढ़ाई भी देख लेती हूँ, बस वगैरह पहचान लेती हूँ। पंजाब की इन ग्रामीण महिलाओं में जगा आत्मविश्वास अपने आप में एक उदाहरण है। इनकी सोच में भी कितना बदलाव आ गया है। इस तरह का सत्संग तो पहले भी पंजाब के गांवों में जमता ही होगा, लेकिन पहले और अब में काफी फर्क आ चुका है। अब इनके गीतों में भी दुनियादारी और आगे बढ़ने के सपने होते हैं। जब आगे बढ़ने का सिलसिला एक बार चल पड़ा है तो ये काफी आगे भी जा सकती हैं। मुझे इसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। मुझे भी बोलती हैं कि हमें कोई ऐसी स्कीम लाकर दो जो कि हम गांव में ही अपना काम चला कर ना हम अपनी रोजी रोटी चला सकें। मेरे पीछे पड़ियों को हमसे सरकार से हमें कोई ग्रांट लेकर दो, जैसे ये मोमबत्तियों बनाने का है, कोई और जैसे पोइट्री फार्म के लिए हमें जैसे सरकार लोन देती है कि हमें भी ऐसी ग्रांट लेकर दो। बहुत हमारी डिमांड 1-1.5 साल से है, लेकिन ऐसे है कि इतना पैसा नहीं मिलता हमें, मोम खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए ना, तो इतना लोन हमें अभी गवर्नमेंट से नहीं मंजूर नहीं हुआ है। इनकी बातों से तो लगता है यहाँ की महिलाओं में साक्षर होने के बाद काफी हौसला बढ़ा है। अगर इन्हें कुछ सहयोग मिल जाए
तो ये काफी कुछ कर सकती हैं। अरे ये तो विमला देवी हैं, इनसे तो सिलाई केंद्र में मिली थी मैं। चूड़ियां, बिंदी, माला, दुल्हन को सजाने वाले सुंदर सुंदर गहने, शायद इन्होंने अपना रोजगार शुरू किया है। वैसे भी शिक्षा से जब समझ बढ़ती है तो रास्ते भी बनते जाते हैं। मुझे इनसे बात करनी चाहिए, हो सकता है इनके अनुभवों से मेरे गांव की किसी महिला को कोई रास्ता मिल जाए। हमने साक्षरता में पढ़ाई करी, पहले वहां से सीख के अपना ये काम शुरू किया, चूड़ी का। चूड़ी हम बाजार से ले आते हैं, आप खुद जाकर लुधियाने से गुड़ मंडी से ले आते हैं। इसमें हमको काफ़ी फायदा है। इसे चूड़ी जो लेते हैं हम, सब मेरे को मिल जाता है 50 रुपए का गुच्छा, 40 रुपए का। इसको हम 12-15 जैसा रेट चलता है वैसा चला देते हैं। खूब फायदा होता है हमको इसमें। और सेट वगैरह जो दुल्हन तैयार करते हैं उसका सेट भी है हमारे पास, 250-300 रुपए करीब हम किराए पर दे देते हैं। दुपट्टा है, दुपट्टा भी हम 100-150 रुपया ऐसा देख लेते हैं। कोई बंदा गरीब है उससे थोड़ा सा रियायत कर लेते हैं। हमारा लड़का है जो दुबई देश गया हुआ है, उसकी चिट्ठी आती है हम पढ़ लेते हैं। जो पहले अंगूठा लगाते थे, जब पैसा कढ़ाने जाते थे हम, हमारे खाते पे आता है पैसा, अब साइन करके ले आते हैं। रोपड़ जिले के इस गांव के बारे में जानकर वैसे तो काफी संतुष्टि होती है कि लोग अपने आप भी आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुझे लगता है पंजाब के बारे में और जानने समझने की जरूरत है। हाँ, जालंधर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मुझे वहां की भी जानकारी लेनी चाहिए। जालंधर का भी प्रोग्राम जो था वो टीएलसी के अंतर्गत तो बहुत जोर शोर से चलाया गया। वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे काफी मोटिवेटेड थे और काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे थे, और वहाँ की जो सोशल वेलफेयर डिवीज़न थी उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, और ट्रेनिंग भी रीजनल रिसोर्स सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी से करवाई गई। टीएलसी फेज तो उनका अच्छा चला, पर पीएलसी में आकर वो रुक गए और गैप पड़ गया। यही वजह है कि जालंधर में जो प्रोग्राम है वो इतना सक्सेसफुल टीएलसी के बाद नहीं रह पाया। जालंधर को जानने के लिए यहाँ के गांवों को प्रत्यक्ष जानना मेरे लिए अधिक लाभकारी होगा। सचमुच यहाँ के गांव तो काफी विकसित लगते हैं। कितना साफ सुथरा, गलियां भी पक्की बनी हुई हैं। पढ़ने पढ़ाने का प्रभाव है ये। अच्छा, तो ये हैं मनिंदर खुराना, जिनके बारे में जानकारी मिली थी कि वो वेटलिफ्टिंग की राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग ले चुके हैं। इनसे पूछती हूँ इस गांव की साक्षरता की उपलब्धि। हमारे यहाँ पहले गांव में वॉलंटियर्स को हमारे दिया गया ट्रेनिंग दी गई, जो तीनों प्राइमरीज की दी गई ट्रेनिंग, और उसी ट्रेनिंग के आधार पर हमने लेडीज, गाँव की लेडीज को पढ़ाना शुरू किया, जो कि अब अच्छा पढ़ भी लेती हैं, अपना सारा सिग्नेचर वगैरह कर सकती हैं अच्छी तरह से, और अपनी रोजी रोटी भी कमा रही हैं। साथ साथ में फुटबॉल का भी काम चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें पहले वो ऐसे थे कि गांव में जो किसानों की तरफ से खेतों में काम करती थी, अब उन्हें अपनी हाथों से रोजी रोटी कमा सकती हैं। पंजाब के बारे में सही सुना था कि पंजाब सिर्फ कृषि के लिए ही नहीं बल्कि राज्य भर में फैले छोटे छोटे उद्योगों के लिए भी मशहूर है। विशेष रूप से जालंधर के बारे में तो कहा जाता है कि यहाँ के शहर में ही नहीं गांव-गांव में खेल के सामान बनाए जाते हैं। अच्छा, ये नवसाक्षर महिलाएं शायद वैसी ही किसी कंपनी के लिए वॉलीबॉल बना रही हैं। मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए, शायद कोई नई बात निकले। वैसे भी साक्षरता कार्यक्रम को रोजगार से जोड़ना दूरगामी परिणाम दे सकता है। आज तो दो साल साक्षरता में पढ़ाई की, उसके बाद ये काम भी मिल गया।
अब तो मैं काफी खुश हूँ। घर में बच्चों को पढ़ाना हो या किसी अधिकारी से बात करनी हो तो कोई परेशानी नहीं होती। अब तो घर के लोग भी इज्जत करते हैं। खेतों में काम करते थे पहले, ये काम मिल गया, 1000-1200 रुपया महीना बन जाता है। जलंधर जिला जो है ये स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ से इंडिया भी नहीं है, पूरा दुनिया को भी ये एक्सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स गुड्स को। इसके लिए हमने सोचा कि जो नियर लिटरेट है इनका, जिमें जैसा फुटबॉल स्टिचिंग है, हैंड ग्लोव्स को बनाना है, ये सारे काफ़ी मैनुअल काम होता है। इसमें हमने ये लिटरेसी प्रोग्राम को वो स्पोर्ट्स गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ दिए थे। जो पढ़ाई का काम चल रहा है, पढ़ाई से तो लोग काफी खुश हुए, काफी लाभ हुआ, लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा है, रुपए पैसे का हिसाब कर लेते हैं। लेकिन ये बीच में बंद हो गया जो अच्छा नहीं है, फिर से शुरू होता है तो बचे हुए लोग भी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ये तो सचमुच ही अच्छी बात है कि यहाँ पीछे छूट गए लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। पंजाब में कृषि कार्य यहाँ के जीवन को दूर तक प्रभावित करता है और कृषि के क्षेत्र में आए दिन नए नए तौर तरीके भी विकसित हो रहे हैं। पारंपरिक खेती की जगह नकदी फसलों का प्रचलन बढ़ा है, ऐसे में तो किसानों के लिए शिक्षा और भी जरूरी हो जाती है। आजकल खेती भी पढ़े लिखे बंदे रह गए हैं। खेती बाड़ी के काम के लिए तो अब पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी हो गया है। खाद पानी के बारे में पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। इतने प्रकार की दवाइयां आ रही हैं, बिना पढ़ा लिखा उसे कैसे पहचान पाएगा। समय के अनुसार हर किसान को अब पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कृषि कार्यों में तो यहाँ की महिलाएं भी उतनी ही जुड़ी हुई है। संपूर्ण साक्षरता के दौर में जालंधर की 100 में 73 महिलाएं साक्षर हो चुकी हैं। मुझे लगता है यहाँ आगे की ही बात हो रही है, शायद पीछे छूट गए लोगों के बारे में सोचा विचारा जा रहा है। मुझे इनकी बातें गौर से सुननी चाहिए। यहाँ तो उत्तर साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने की बात हो रही है। जिले में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम 2 साल पहले ही पूरा हो चुका है। शायद कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करने में कुछ कठिनाई आ रही है। ऐसा ही होता है, कोई काम अगर बीच में रुक जाए तो उसे फिर से शुरू करने में मुश्किल तो होती ही है। लोगों को फिर से एक एक करके जोड़ना, पहले जैसा जोश और उत्साह बनाने में भी समय लगता है। इनसे बात करने से बातें अधिक साफ हो सकती हैं। टोटल लिटरेसी कैंपेन हमारा जब 31 दिसंबर 1999 को बंद हुआ, पूरा हुआ, उसके बाद हमने NLM को लिखा, चंडीगढ़ को, स्टेट SRC को, SLM को लिखा जो है, तो उस कॉरस्पॉन्डेंस के बीच में उसकी जो अप्रूवल PLC की अप्रूवल, PLP की अप्रूवल मिलनी थी, उस प्रोजेक्ट की हमें अप्रूवल नहीं मिल पाई। इसी की वजह से ये जो 2 साल का गैप आया, इससे बहुत सी हमें समस्याएं आ रही हैं। ये कठिनाइयाँ एक तरफ, मोहादीपुर अराइया के नवसाक्षरों के लिए तो ये गर्व की बात होगी कि उन्हीं में से एक नवसाक्षर आज उनकी पंचायत की सरपंच हैं। सरपंच बनने में जब इलेक्शन का टाइम आया तो सरपंच के चुनाव में मुझे गांव के लोगों ने ही उम्मीदवार बना दिया। हमारा पंचायत महिलाओं के लिए सुरक्षित है, पढ़ाई का इसमें लाभ हुआ है। सभी ने, विशेष तौर पर नव साक्षर महिलाओं ने मुझे बहुत मदद की और मैं सरपंच बन गई। यहाँ लिटरेसी प्रोग्राम का अच्छी शुरुआत थे, अच्छी जो प्रोग्राम चली है वो प्रोग्राम को देखे हमें एक नया योजना शुरू किए थे। इसमें जो नियो लिटरेट है उनको भी हमने, उनके लिए एक कंप्यूटर सेंटर खोला है एक गांव में, लसाड़ा करके गांव में,
ऑफ कोर्स ये कंप्यूटर सेंटर सिर्फ न्यू लिटरेट्स के लिए तो नहीं है, तो गांव में बच्चे है और अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं, ये सारे के लिए, इवन बुजुर्ग हैं, कोई फार्मर भी सीखना चाहते हैं या कोई औरत सीखना चाहती है, तो उनके लिए हमने कंप्यूटर सेंटर खोला हुआ है गांव में। ये तो साक्षरता आंदोलन में सचमुच एक नया आयाम है, एक नई पहल कदमी है। स्लेट पर लिखने वाले हाथ अब कंप्यूटर के बटनों से खेल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। इनमें पहले से पढ़े हुए, कुछ आगे बढ़े हुए और कुछ नव साक्षर सब साथ साथ सीखेंगे। यही अपने आप में नव साक्षरों के लिए छोटी बात नहीं है कि उन्हें आगे बढ़े हुओं के समकक्ष बैठकर सीखने का मौका मिल रहा है। लोसाड़ा गांव के इन लोगों में नए खुले कंप्यूटर केंद्र के प्रति आकर्षण भी इसीलिए तो है। वैसे भी कंप्यूटर का मतलब है समूचे सूचना तंत्र के साथ जुड़ जाना, गांव का वैश्वीकरण इसी को तो कहते हैं। और पंजाब के गांवों से काफी लोग विदेशों में जाकर रोजगार करते हैं। गांव में कंप्यूटर केंद्र खुल जाने से अब उनके परिवार के लोग आसानी से संपर्क में रह सकते हैं। लगता है कंप्यूटर सीखने का उत्साह भी इसीलिए अधिक है। शायद लोग इसमें रोजगार के नए अवसर भी देख रहे हैं। अरे वाह, यहाँ तो कंप्यूटर सीखने के लिए अंग्रेजी जानना भी जरूरी नहीं है, किताब भी गुरुमुखी में छपी है। इसमें एक काम किए थे, पंजाबी में लिटरेचर प्रिंट करवाए थे कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर सीखने वाले सोचते हैं कि जब तक अंग्रेजी नहीं आता है तब तक हम कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम यहाँ ये नहीं समझते थे कि अंग्रेजी सीखना जो है जरूरी है कंप्यूटर की जानकारी लेना होगी, तो इसलिए हम कंप्यूटर का किताब जो अंग्रेजी में आम होते हैं उसको ट्रांसलेट किए थे। उसका लेफ्ट पेज होता है पंजाबी का, राइट साइड होता है उसका इंग्लिश का, ताकि शुरुआत में पंजाबी पढ़ सकें, बाद में कोई चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकें। जब सेंटर खुला तो पढ़ाई की थी, अब खरीद फरोख्त में कोई परेशानी नहीं होती, पेपर भी पढ़ लेती हूँ। बेटा मेरा विदेश में है, कंप्यूटर सीखकर उसको ईमेल कर सकती हूँ, इसीलिए कंप्यूटर सीख रही हूँ। पहले बेसिक, फिर इंटरनेट और आगे भी सीख सकते हैं। एक सप्ताह से कंप्यूटर सीखने आ रही हूँ, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी हो गया है। मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर सीखकर आधुनिक युग के साथ चल सकूं। काफी छात्र आ चुके हैं, अभी 300-400 और भी आ सकते हैं। थोड़े दिन में ही इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इसमें गांव की वो महिलाएं भी आ रही हैं जिन्होंने साक्षरता में पढ़ना सीखा, वो भी कुछ ना कुछ सीखना चाहती हैं। उन्हें भी हम सिखा रहे हैं ताकि उनकी जानकारी बढ़े, और कुछ पहले पढ़ चुके छात्र हैं तो उन्हें इससे नौकरी भी मिल सकती है। जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कुछ जॉब वगैरह प्राप्त कर सकें। मुझे तो वाकई विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि हमारे देश के गांव कहां से कहां पहुंच गए। अक्षरों से शुरू हुआ और कंप्यूटर तक आ गए। इसे तो गांवों के विकास के मामले में एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं। बदलते समय की ये जरूरत भी तो है। क्या ये सब कुछ मेरे गांव में भी संभव हो सकता है? मुझे लोगों से मिलकर पता करना चाहिए। काफी बच्चे जो अनेक गरीब घरों के बच्चे भी कंप्यूटर सेंटर में दाखिला ले रहे हैं। इनमें नव साक्षर महिलाएं भी काफी हैं, जिन्होंने 2 साल पहले साक्षरता कार्यक्रम में पढ़ना सीखा था। जिन्होंने साक्षरता संबंधी सिखाया वो पढ़ लिख गए। साक्षरता में काफी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने पढ़ाई सीखी। हमारे गांव के करीब 200 परिवारों के लोग विदेशों में रहते हैं।
इंटरनेट सीखने से लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। कंप्यूटर सीख जाएंगे तो उनके लिए नौकरी का भी रास्ता खुल जाएगा। पंजाब में खेतों की हरियाली के रास्ते आई ये तरक्की, क्या ये सब मेरे सवालों का जवाब हो सकता है? लेकिन पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला क्यों रुक गया? पिछले प्रयासों से आने वाली पीढ़ी की खुशियां तो तय कर दी गईं, लेकिन जो पीछे छूट गए उनका काम तो अभी भी अधूरा ही है। अभी जो कंटिन्यूइंग एजुकेशन फेज जो हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन का चल रहा है सारे देश में, उसके अंतर्गत पंजाब में दो ज़िले हैं जो कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन में हैं, एक है होशियारपुर और एक है रोपड़। क्योंकि इन दोनों ज़िलों की एक्सटर्नल इवैल्यूएशन हो चुकी थी पोस्ट लिटरेसी कैंपेन की, तो ये कंटिन्यूइंग एजुकेशन फेज में एंटर कर गए। पंजाब के साक्षरता आंदोलन में लोगों की भागीदारी से बदलाव तो आया है, पर ये सिलसिला यहीं थम ना जाए। और ऐसा ही कुछ मेरे गांव के बारे में भी सोचना पड़ेगा।